चलिए थोड़ा कैश रिच करते हैं आपको, आपके नंबर और पैसे की बात। न्यूमरोलॉजी और मनी का क्या कनेक्शन है? आपका बर्थ नंबर और पैसे के बीच में क्या कनेक्शन है? नहीं समझे? चलिए देखते हैं। अगर आप नंबर 1 के इंसान हैं तो डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या 28 है। आप लोगों को फाइनेंशियल गेन होता रहता है, पर कभी कभी कुछ गवाकर ही कोई नई शुरुआत करनी पड़ती है। नए एंटरप्राइजेस, नए काम शुरू करने के लिए आपके लिए नंबर 1 को यूज़ करना भी बेस्ट है। नंबर 2 के लोग, डेट ऑफ बर्थ 2nd 11th 20 or 29। पैसे कमाते हुए देरी और अनसक्सेसफुल सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है आपको। इसको अच्छा करने के लिए एक काम करें, हर मंडे को किसी ज़रूरतमंद को दूध दें, और सिर्फ दे नहीं अपने हाथों से पिलाएं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। नंबर 3 के लोग, डेट ऑफ बर्थ 3rd, 12th, 21st या 30th। ये आप लोग जो हैं वो पैसा कमा लेते हैं, पर साथ में पैसे के लिए अप्स एंड डाउन्स आपको देखने पड़ते हैं, सहने पड़ते हैं, तो पैसा जल्दी खर्च हो जाए इसके भी चांसेस बने रहते हैं। अगर फोकस बनाए रखेंगे तो आसानी से पैसा कमा भी सकते हैं, बस फोकस बनाए रखें। नंबर 4 के लोग, डेट ऑफ बर्थ होगी 4th, 13th, 22nd या 31st। आपके लिए पैसा कमाना आसान नहीं है, इसके लिए आपको बड़ी मेहनत और डिसिप्लिन में रहने की ज़रूरत है। अगर ये सिचुएशन आपकी टाइट है तो क्या करें? तो आप लोग एक छोटा सा काम करें, अपनी हैंडराइटिंग को जितना साफ लिखेंगे उतनी आसानी से पैसा कमा लेंगे। नंबर 5 की बात करते हैं, डेट ऑफ बर्थ 5th, 14th या फिर 23rd। आप लोग आसानी से पैसा कमा लेते हैं, पर खर्च करने में थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि खर्च भी यूं ही कर देते हैं। एक काम करिए, रोज़ सुबह बुध ग्रह का मर्करी का बीज मंत्र चैंट करें। पैसे आएंगे तो आसानी से, पर रुक भी जाएंगे। नंबर 6 की बात करते हैं, नंबर 6 है तो डेट ऑफ बर्थ है 6th, 15th या 24th। आप लोग पैसा कमाकर समृद्धि पाने के लिए, फेम पाना आपके लिए ज़्यादा आसान है। सोच समझकर काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि पैसे के लिए आपका तालमेल अच्छा है तो रेमेडी की ज़रूरत नहीं है। नंबर 7 की बात, नंबर 7 है तो किसी भी मंथ में आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी 7th, 16th या फिर 25th। आपके लिए पैसा कमाना एक वाइल्ड कार्ड है। क्या तो आप फाइनेंशियल काफ़ी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते रहते हैं और पैसा और सक्सेस कमा लेते हैं, या फिर नहीं कमा पाते हैं। अगर रिस्क बड़े लेने से बचेंगे तो पैसे की कमी नहीं होगी, इसलिए सेंसिबल रिस्क लें। नंबर 8 की बात, नंबर 8 है अगर आप, तो डेट ऑफ बर्थ होगी 8th, 17th, 26th। आप लोग फाइनेंशियल झुकाव वाला नंबर हैं, पर ज़्यादा पैसा कमाने के लिए साथ साथ ज़्यादा लॉसेस को भी देखते हैं, ये मुश्किलें बनी रहती हैं। अगर सोच समझ कर खर्च करेंगे, फाइनेंशियल लॉसेस से बचे रहेंगे। एक छोटा सा काम और करिए, अपने लेफ्ट पैर में काला धागा हमेशा पहन कर रखिए। जब पैसा आता है तो आपको नज़र जल्दी लग जाती है, इससे बचाव होगा। नंबर 9, अगर आप नंबर 9 हैं तो डेट ऑफ बर्थ है 9th, 18th एंड 27th। पैसा कमाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पर पैसा कमा लेते हैं। आप लोग पैसे खर्च करने में पीछे नहीं हटते, मगर खर्चे से आपको नुकसान नहीं होता, खर्च करते ही और पैसा आ जाता है। थम्स अप, आपके लिए कोई टिप नहीं।